कर्नाटक में बीजेपी पार्टी नेताओं के विद्रोह की वजह से मुश्किल दौर से गुजर रही है और साथ में तीनों ही पार्टियों के वो उम्मीदवार भी जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, सिद्धरमैया कुमारस्वामी और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, इनमें से कुछ की दोहरी चुनौतियां हैं। एक रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री पद के दो दावेदार सामने दिख रहे हैं, डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया। जेडीएस के कुमारस्वामी और बीजेपी पहली बार किसी स्थानीय कद्दावर नेता के नाम पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। इस बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई दो सीटों से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट सिर्फ उनकी पुरानी सीट शिगांव से ही मिला, जहां से वो 2008 से लगातार जीतते आए हैं, लेकिन जीत का अंतर कभी भी 15,000 वोट से ज्यादा नहीं रहा। और इस बार बसवराज बोम्मई का सामना है उनके भरोसेमंद मंजूनाथ कुन्नूर से, जो सांसद रह चुके हैं और अब कांग्रेस टिकट पर उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। एंटी इनकम्बेंसी और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री पद के दावेदार कोरबा समाज के ओबीसी नेता सिद्धरमैया की राह भी वरुणा में आसान नहीं, वो भी वरुणा के साथ साथ कोलार से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट सिर्फ वरुणा से ही मिला। उनके सामने बीजेपी ने लिंगायत नेता वी सोमन्ना को उतारा है। वरुणा में लिंगायत मतदाता 52,000 के आसपास है, 47,000 अनुसूचित जाति के हैं, 30,000 अनुसूचित जनजाति के, 35,000 कुर्बा मुसलमान, 9,000 और वक्कली का 21,000 है। बस कनकपुरा में डीके शिवकुमार की राह आसान लगती है, भले ही उनके खिलाफ बीजेपी ने अपने बड़े नेता आर अशोक को उतारा हो, लेकिन ये सच्चाई है कि सीट पर 2008 से पहले जनता परिवार और 2008 के बाद कांग्रेस के डीके शिवकुमार जीतते रहे। बीजेपी का वहां जनाधार नहीं दिखता जहां 52% वक्कलिगा हैं, जिन पर डीके शिवकुमार की अच्छी पकड़ है। और जेडीएस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कुमारस्वामी को टक्कर देंगे बीजेपी के सीपी योगेश्वर। 51% वक्कलिगा वोटर्स वाली इस सीट से कुमारस्वामी मौजूदा विधायक हैं। यह किसानों का इलाका है। पहली बार मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया था और दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर किसानों का ब्याज माफ किया। उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जिससे कोई भी कभी भी आसानी से मिल सकता है। इन बड़े नेताओं में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की चुनौती काफी बड़ी है, क्योंकि कहते हैं कि जहां इन्हें अपने प्रतिद्वंदियों से तो लड़ना ही है, साथ ही साथ पार्टी के अंदर भी कई प्रभावशाली नेता हैं जो चाहते हैं कि ये चुनाव हार जाएं ताकि उनका रास्ता साफ हो जाए। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।